तो यार आप सभी का स्वागत है एल्डर रिंग के पार्ट नंबर 122 के अंदर। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे मुझे कुछ चेक करने की क्या यहाँ पे रास्ता एग्जिस्ट करता है। ओ ये क्या है, मिकैलस लिली। ओके मुझे मेनली तो ये चेक करते हैं, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ओ ग्लिंचस्टोन क्राफ्टमैन कुक बुक नंबर 8, नाइस। ओ पहुंच गए, यही से तरीका था, यही तरीका था। सबसे पहले जल्दी से इन्वेंटरी में चलते हैं, एशेस में एम्ड फैंग्ड एशेस, फैंग्ड एम्प एशेस का इस्तेमाल करते हैं। फैंग्ड एम्प्स हेलो सर। मारने दो बैंड बजा रहा है इसकी। हाँ चलो चलो। अरे यार वो अब इसके ऊपर देखते हैं हुआ कि नहीं काम। Oops. खुल गया। तो दो तरीके थे, या तो फैंटी बैशेस का इस्तेमाल करो या फिर क्रिस्टल डार्ट से एक दोनों को आपस में लड़वा दो। ये दोनों तरीके थे। तभी मैं सोच रहा हूँ यार आप एक नोमैडिक सॉरी आइसोलेटेड नोमैडिक मर्चेंट का इस्तेमाल क्यों करोगे किसी भी एरिया को अनलॉक करने के अंदर। आइसोलेटेड मर्चेंट का मतलब यही है कि गेम नहीं चाहता आपको आसानी से वो मिले। तो ये तरीका था आपस में लड़वाने का। स्टैचू था उस एक सेकेंड। ओ रेवन मास टैलिस्मान, ठीक है यहाँ कुछ नहीं ऐसा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब यहाँ पे चलते हैं पहले। अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस नहीं करने, हमें पहले नाइट टाइम का इस्तेमाल करना है ताकि हम जो हमारी बैंड बजी थी नाइट्स कवेली के अंदर उसकी बैंड ना बजे। अब रात ही हो रही थी, खैर कोई बात नहीं ये बेटर है। सो दो नाइट्स कैवलरी एग्जिस्ट करते हैं, हम एक बार में एक को मार सकते हैं, हमें बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हमें यहाँ से चलना है वेस्ट की ओर। मैं भूल गया था ये भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। एक स्टोन स्वॉर्ड की, नाइस। आई थिंक इस एरिया में था मूविंग कैरवैन, सो मे बी इस साइड। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है मुझे, ये स्ट्रक्चर। लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी ना ही जाए इधर तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से इस रास्ते पे हमें मिलेगा मूविंग कैरवैन और नाइट्स कैवलरी दोनों।
यहाँ पे एक गोल्डन सीड है शायद से। ओ भाई भागो। यहाँ पे नहीं है, मूविंग कह रहा है। तभी भी काफी चीजें हमें एक्सप्लोर करनी है यहाँ पे। ये क्या सीन है? ओके एक काम करते हैं, इस एरिया में वापस चलते हैं। नंबर टू है इस साइड में, शायद से हमने गलती से मिस कर दिया मूविंग कैरवैन को। दिख गया, वो रहे। एक बार में सिर्फ एक को ही हमें करना है। अरे पहले जल्दी से आइटम क्राफ्ट कर लेता हूँ, हमें जल्दी से मारना पड़ेगा हर एक को। ध्यान रखना पड़ेगा, जैसी वो हमारी तरफ मुड़े रुक जाओ। देखो शायद वो रुक गया। हाँ, ना ना ना, आ रहा है। नहीं, वापस मुड़ गया। फिर रुका ये। हाँ, भागो यहाँ से। अब इसको दूर लेके जाओ। हो रहा है।
एक गया, हमें कुछ मिला? नहीं मिला, शायद दोनों को मारने के बाद ही कुछ मिलेगा। तैयारी पूरी करते हैं। भागो अब यहां से। कहां पर है वो? रहा आजा आजा। अरे ये टोली आ रही पूरी। अरे भाई मारने दो। दो अटैक्स और, ये इसका स्वीप अटैक से हम बच क्यों नहीं पाते? मैंने पूरे टाइम शील्ड ओपन कर रखी है। हरा दिया। एंशिएंट ड्रैगन स्मिथिक स्टोन। अब समझ में आता है कि हमारी क्यों बैंड बज रही थी, काफी डिफिकल्ट क्यों थी ये वाली फाइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा दूर जाना जरूरी है हमें इस पूरे एरिया से। हरा के तो रहेंगे अब हम। मैं भी यहां साइड से जाना जरूरी है। थोड़ा और साइड में जाना जरूरी है। अब आसान कैसे हो गया एकदम से? चलो दूसरे वाले के पास चलते हैं। एक सेकंड, कुछ चेंज हुआ।
शायद से नीचे हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। शायद हो गया, हो गया फाइनली। फाइनली अब हम आगे चढ़ सकते हैं, इस एरिया में चलते हैं अब हम। सो यहाँ पे क्या है, मेरे ख्याल से सेट ऑफ ग्रेस है। ये है अपोस्टेट डेरेलिक्ट। यहाँ पे क्या है? ओ मुझे पता है क्या करना है यहाँ पे। सिल्वर मिरर शील्ड, ये लैटिना की क्वेस्ट है। Oh, young yet towering sister of ours, let the birthing droplet in and create life for us, for all the Albinorix. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf. क्वेस्ट तो खत्म हो गई लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। कुछ चेंजेस हुए क्या? पता नहीं। ऊपर क्या क्या है देखते हैं। मॉजोलियम ने बैंड बजा दी हमारी, क्या एडिटिंग की वैसे तो मैं कुछ पता नहीं चला होगा, एक बार ही दिखा होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं 6 से 7 बार मरा हूँ और मैंने 1,30,000 रूल्स भी कमा दिए। मुझे पहले से अपडेट करना चाहिए था खुद को, लेवल अपडेट कर लेने चाहिए थे भाई, गलती मेरी है उसमें। तो एक काम करते हैं वापस चलते हैं। और अब हम करेंगे यहां पे चलेंगे, अब हम पहले नाइट का कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिली थी डेथ राइड बर्ड, उसको हराएंगे मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ ऊपर वाले एरिया में भी हम लड़ पाएंगे। ये आवाज़ें कैसे आ रही है लेकिन? वापस भागो।
थोड़ा एरिया से बाहर जाना जरूरी है यहाँ पे। अरे अब हम यहाँ पे हरा सकते हैं इसको। आ जा आजा आजा। अभी तक तो सही चल रहा है। हेल्थ फुल रखेंगे हम। भागो क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी बैंड बजे जा रही है यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। डेथ राइड बर्ड को बाद में करेंगे, अभी पहले देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है अब आगे चलते हैं। हमें अब जाना है इस जगह पे। इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो हराते हैं अब ग्रेट वर्म थियोडिक्स को जो हमारी बैंड बजाए जा रहा है। एटलीस्ट 3 बार हम मर चुके हैं, 2 या 3 बार। यूटेल भी इसके आगे बेबस है। चलते हैं। पीछे हट जाओ। से काम करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा इसको।
भाई हमारे पीछे ही पड़ा है आस्तु। ठीक है आजा आजा। हाँ को यहाँ से यही करना पड़ेगा भाई। भाई कितनी देर तक करेगा ये, खत्म ही नहीं हो रहा इसके आपका मैग्मा। भागो को रखो भाई। भागो यहां से। ये ज्यादा बेनिफिशियल है। भागो अब यहां से। ये इटली गॉडज़िला की ही याद दिलाता है मेरे को मुझे। बच गया ठीक है अभी तक तो बचे हुए हम। थोड़ा सा दूरी रहना बेटर अभी के लिए। अब पास में जाओ। हरा दिया। ड्रैगन हार्ट और 1,80,000 रूनस, क्या बात है। यहाँ पे कुछ है क्या? तो यहाँ क्या है? एंशियंट ड्रैगन स्मिथिंग स्टोन। भाई भरे पड़े हैं यहाँ पे तो एंशियंट ड्रैगन स्मिथिंग स्टोन्स। ठीक है यहाँ मेरे ख्याल से और कुछ नहीं, अब देखते आगे क्या करना चाहिए। ठीक है अब हमें चलना चाहिए वापस। नहीं यहीं से रास्ता है। नहीं यार रिस्की मैटर है, चल ही लेते वापस। ठीक है सबसे पहले लेवल अप करते हैं। अब हमें इसके एंड पे जाना है, इस जगह पे। यहाँ पे एक वे गेट है जो हमसे लास्ट टाइम मिस हो गया था। उस वे गेट में ही जो टेलीपोर्टर है उसके थ्रू हम एक अर्ट्री पे जा सकते हैं। मुझे लगा था जो पहले वाला अर्ट्री था वो फाइनल था, नहीं ये वाला फाइनल अर्ट्री है। वो
कोने तक चलना है हमें पहले। अब हम जा सकते हैं, अब सही है। चलते हैं जल्दी से। वुल्फ्स को इग्नोर मारते हैं अभी के लिए। अभी हम थोड़ा सा और पीछे हैं। ये रहा, एक बार चेक कर लेते हो और कुछ रहता तो नहीं यहाँ पे, लगता तो नहीं। अब हम आए हैं इस जगह पे जहाँ पे ये अट्री है। ये शांता जी का था सबसे यहाँ तक पहुँचने का। तो हमने बस ये बीच का एरिया क्रॉस कर दिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मैंने यहाँ पे ट्रीनस लिली देखी थी, आर्टीरियल लीफ। ट्रीनस लिली माइनर ट्री। सो यहाँ पे मैंने गाइड के हिसाब से यहाँ पे पोर्ट्रेट अवतार है, उसको हराना होगा हमें। उप्स, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी के लिए इग्नोर मारते हैं। मैं इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें। अब हम जाके हरा सकते हैं पोर्ट्रेट अवतार को। ठीक है, इससे बच के क्या अभी तक बचे हुए हम। फिर भी लुटेल को पीट रहा है बता, पीट दिया। नाइस, ना ना ना, आजा आजा आजा। गया, यहाँ पे हमें काफी अच्छी चीजें मिल रही है। 1,60,000 रूम्स मिले इसको हराने पे। भाई साहब, अगर ये अनलिमिटेड यहाँ पे होता ना कि एक हर बार आके यहाँ पे मार सकते हो, तो भाई यहीं पे आ जाओ और यहीं पे मारते रहो इसको, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर।
अब हमें यहाँ से नीचे जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए सारा। इस पूरे एरिया में बस हमारे पास कुछ चीजें रहती हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। गार्डियंस को इग्नोर मारते हैं। अब देखा जाए तो बस एक बॉस बचा है हमारा, डेथ राइड बर्ड, और एक मेन एरिया बचा है। उसके अलावा बाकी हम सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं। फर्गल ब्रूम, कोई एनिमी हमारे पीछे है। ये वो एरिया है जो हमारा फाइनल एरिया है इस पूरे गेम के, इस एरिया के अंदर पूरा। लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तीन यहाँ पे डंजन्स है पूरे एरिया में, उन तीनों डंजन्स के एंट्रेंसेस को ढूंढेंगे ताकि अगली वीडियो में उनको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं। यही सामने कहीं पे था साइड ऑफ ग्रेस। शायद यहाँ पे ठीक है, लेवल अप करते जल्दी से। अब हमें चलना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं है। स्पीड से सारे काम करते हैं। गोल्डन रून 13। यहाँ पे लोकेशन है, मुझसे लगता है फर्स्ट टाइम मिस हो गया था। येलो एनेक्स टनल, पहले एक्टिवेट कर लेते हैं सारे डंजन्स और डेथ राइड बर्ड को भी इसी वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, अब अगली लोकेशन है, वापस चलते हैं। अगली लोकेशन है आई थिंक यहाँ पे। पहले टाइम हमसे मिस आउट हो गया, वरना हम कर लेते हैं यहीं पर ही। अब चलते हैं यहाँ पे। और अब हमें चलना चाहिए यहाँ पर।
अभी के लिए तो सीधा ही चलते हैं। अभी हम नहीं पहुंचे। अच्छा यहाँ पे कैरावैन की थी लेकिन वो सब हम कर चुके हैं। यही कहीं होगा। यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं लेकिन मैंने गलती से फिर से मिस आउट कर दिया। ओके एक और इंजन है। वो डेंजन भी एक ऐसी लोकेशन पे जो मैंने मिस आउट कर दिया। कुछ ज़्यादा चीज़ें मिस आउट नहीं हो रही मुझसे। खैर जो भी हो वो लोकेशन है इस साइड पे। जल्दी से चलते हैं। चलते हैं एरे साइड ऑफ ग्रेस। अब बस पूरे एरिया में एक तो ये रूम्स बचे हैं, शायद सिटी है, स्मॉल माइनर सिटी है, ऐसा कुछ है, ये बचा है। यहाँ पे हमारा वे गेट है, मॉन पैलेस करके शायद नाम है, और हमारा बचा है इस जगह पे डेथ राइट बर्ड। उसके अलावा बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं पूरे एरिया के अंदर और कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है अब डेथ राइट बर्ड को हराते हैं।
तो यार कोशिश तो मैंने की है काफ़ी डेथ हेड बर्ड को हराने की, लेकिन वो जो एओई अटैक है उससे मैं नहीं जीत पा रहा हूँ। एक बार बच गया था किसी तरह, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी कर दी। तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं डेथ हेड बर्ड को नहीं करूँगा, हराऊंगा। मैं ऑफ रिकॉर्ड हराऊंगा, रीज़न बीइंग अभी दिखा दो तुम्हें। ये देखो अभी जो आपका एल्डन रिंग का है, सो एल्डन रिंग इस टाइम पे उसका सर्वर मेंटेनेंस के अंदर है। देखो सो आई थिंक ये अराउंड 6 to 7 आवर्स का गड़बड़ है, लेकिन मुझे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वीडियो अपलोड करनी है, तो फिर मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं इसका वेट कर लूँ, उसके बाद फिर उसको एडिट कर लूँ वीडियो को, उसके बाद फिर अपलोड भी कर लूँ वीडियो को। उसके बाद यूट्यूब प्रोसेसिंग में भी 1 से 1.5 दिन लगाता है, क्योंकि ये 4K HDR है, सो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। सो अभी के लिए तो मैं एक बार बता देता हूँ कि डेथ राइट बर्डी वाली जो है, इसका जो ड्रॉ इसको हराने के बाद हमें मिलता है एक्सप्लोसिव गोस्ट फ्लेम करके इनकैंटेशन है, वो हमें मिलेगी। उसके अलावा और कुछ खास नहीं है, इस वजह से कोई इतनी इंपॉर्टेंट बॉस नहीं, वैसे भी ऑप्शनल बॉस है, इससे कुछ होने नहीं वाला। तो फिर इस वजह से ये मैं ऑफ रिकॉर्ड हरा दूंगा, ऑफ रिकॉर्ड में हरा दूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने क्या कहते हैं क्लिप तो डाल ही दी लड़ाई की मैंने। तो यार तब तक के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं काफ़ी बढ़िया कंटेंट डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, अभी गॉड ऑफ वॉर भी डालूंगा, एल्डन रिंग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया एल्डन रिंग, उसके बाद गॉड ऑफ वॉर डालूंगा। जो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के ठीक पहले हम अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे गॉड ऑफ वॉर क्या था, फिर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेलेंगे। और क्या बचा है, हाँ अगर मैं आउटरो में हमेशा गड़बड़ करता हूँ, सो अगर तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पसंद आ रहे हैं तो उसको हर जगह शेयर भी करो, उसको अच्छी तरह फैला दो यार, थोड़ी ग्रोथ देखनी पसंद है यार मुझे भी, थोड़ी ग्रोथ देखता हूँ चैनल पे। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।